अस्सलाम वालेकुम। तो भाई सबसे पहले तो एक दफ़ा फिर से माजरत, काफ़ी दिन हो गए वीडियो नहीं आई, नया व्लॉग नहीं हमने बनाया था, 10 दिन हो गए तकरीबन। असल में काम की मसरूफियत कुछ ऐसी थी यहाँ पे ना, हमारे काम की नेचर ऐसी है कि यार जब काम ना हो ना थोड़ा बहुत तो वैसी टेंशन पड़ जाती है यार, काम करना है। तो उस चक्कर में क्या कहते हैं भाग दौड़ ज़्यादा हो जाती है, ताकि कोई काम वगैरह हो, क्योंकि काम के साथ ही बाहर हैं भाई। काम है तो जहान है, जान है तो जान, तो फिक्र पुराना हो गया, अब काम है तो जहान है। तो खैर आज जुम्मा है, जुम्मे की तैयारी वगैरह करके नमाज़ वगैरह पढ़ने गया था मैं। तो नमाज़ वगैरह का यहाँ पे कुछ ऐसा सीन होता है कि 1:30 बजे पूरे दुबई में एक फ़िक्स टाइम पे आपकी जुम्मे की नमाज़ होनी है, असर की नमाज़ होनी है, सारों का एक फ़िक्स टाइम है हर मस्जिद में। और फिर 1:30 बजे नमाज़ होनी थी, तो मैं तकरीबन 12:15 बजे मस्जिद में जाकर बैठ गया था। तो उस बहाने चलो ये कि जल्दी जाने का फ़ायदा ही होता है, बंदा कुरान शरीफ वगैरह पढ़ लेता है, तो कुरान शरीफ वगैरह पढ़ लिया, फिर खुतबा वगैरह हुआ, नमाज़ पढ़ी, फ्री हो गए। तो और यहाँ की अजान जो है ना इतनी अच्छी होती है कि भाई एक दफ़ा ना आपकी रूह ताज़ा कर देती है, ईमान ताज़ा कर देती है। अजान भी आपको आज मैं सुनाऊंगा, उस मस्जिद की जहाँ मैं गया था। الله أكبر الله أكبر الله अच्छा मुझसे ना काफ़ी लोग एक सवाल कर रहे थे कि भाई मतलब मेरे कुछ दोस्त यार हैं, कुछ और भी लोग हैं, सम टाइम वो फ़ोन करते हैं यार मैं दुबई आना चाहता हूँ विज़िट वीज़े पे, जॉब सर्चिंग के लिए, जॉब हंटिंग के लिए, तो मशवरा दें, क्योंकि दुबई में एकोमोडेशन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, सबसे ज़्यादा लोगों को यही पता है भाई एकोमोडेशन एक्सपेंसिव है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसिव है, तो उसको हम कैसे सेव कर सकते हैं। तो मैंने सोचा यार आज का जो व्लॉग है वो हम इसी बात पर बनाएंगे, कैसे आपने दुबई आना है तो कैसे आपने एकोमोडेशन लेनी है, ट्रैवलिंग कैसे लेनी है, जॉब हंटिंग कैसे करनी है। हम जब दुबई आने से पहले दिमाग और दिल में यही ख्याल आते हैं भाई मैं दुबई में आऊँगा तो भाई अन्नी मच जाएगी, लोग पागल हो रहे होंगे भाई कि मैंने तुझे जॉब में रखना है, मैंने तुझे जॉब में रखना है, तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलो तो भाई आप जब भी दुबई आएँगे आपने यहाँ पर CV बाई हैंड आप नहीं दे सकते, वो इसकी कोई अहमियत नहीं है।
आपने अप्लाई करना है ऑनलाइन, डिफरेंट वेबसाइट्स के थ्रू आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है या डिफरेंट कंपनी की वेबसाइट पे आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, और वही आपका फ़ायदा रहेगा। और दूसरा, यहाँ पे स्कैम बहुत ज़्यादा होता है, उन स्कैम से बचना है। बहुत सारी ऐसी रिक्रूटमेंट कंपनीज हैं जो आपको फेक जॉब्स का लालच देके आपसे पैसे हथियाते हैं, और फिर आपको कहते हैं हम आपको जॉब प्रोवाइड करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कोई जॉब वगैरह प्रोवाइड नहीं करता आपको। गेट वीज़े पे आपका एक एक दरम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसे इतना संभाल कर रखें, एहतियात से खर्च करें। सबसे पहले तो आपने जब दुबई आना है, दुबई आके आपने डेरा या बुरदुबई, इन दो जगहों पे जाके अपनी एकोमोडेशन देखनी है। उसकी वजह क्या, एक तो वो मिडल ऑफ द दुबई है, वहाँ मेट्रो वगैरह की आसानी है, वॉकिंग डिस्टेंस है, मेट्रो है, आप कहीं भी आ जा सकते हैं जॉब वगैरह का इंटरव्यू वगैरह देना हो तो। और फिर दुबई डेरा में आपको जो है क्या कहते हैं एकोमोडेशन सस्ती मिल जाएगी, स्टार्टिंग फ्रॉम 250 दरहम टू 500 दरहम 600 दरहम, मतलब जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। उसमें क्या होता है कि भाई 200-250 वाली आपने कोई बेड स्पेस ले लिया तो उसमें यह है कि भी एक कमरे में 16-16 लोग रह रहे होते हैं, ठीक है जी। लेकिन यह कि जी हमने सर्कल चलाना है तो हम 250 दरहम लेकर रहना शुरू कर देंगे। दूसरा ये कि जितनी सस्ती आपकी अकोमोडेशन होगी उतनी गंदी है वो आपकी अकोमोडेशन होगी। सिंपल कहते हैं ना, क्वालिटी भी आपकी पैसों से आती है। तो मेरा मशवरा है, जब भी दुबई आएँ आप 350-400 की वो बेड स्पेस लें जिसमें 7-8 लोग रह रहे होते हैं। डेरा में अगर आप ले रहे हैं अकोमोडेशन तो वहाँ पे आपको खाना वगैरह सस्ता मिल जाएगा। मैं जब फर्स्ट टाइम आया था डेरा तो मैंने क्या कहते हैं बाबू जी होटल है यहाँ पे, पता नहीं बाबू जी था मियाँ जी के नाम से कोई होटल था, वहाँ पे जी हमने जाके 3 दरम का आलू का पराठा खा लेना या 4 दरम का कीमे का पराठा खा लेना। या जॉब हंटिंग का तरीक़ेकार ये है कि भाई आप सुबह 6-7 बजे उठें, डिफरेंट पोर्टल्स हैं जैसे डूबीजल हो गया, पायूट हो गया, आपका लिंक्डइन हो गया, और आपका इंडीड हो गया, और डिफरेंट कंपनीज की वेबसाइट है, मतलब जो भी आपकी जॉब नेचर आप देखना चाह रहे हो उसको सबसे पहले आपने क्या करना है, वर्किंग करनी है। वर्किंग क्या करनी है, डिफरेंट कंपनीज़ आपने गूगल पर सर्च कर लेनी है, हाँ भी मुझे इस तरह की जॉब अगर मुझे चाहिए तो इस कंपनी में मुझे इस तरह की जॉब मिल जाएगी। फिर उन कंपनीज़ की आपने HR की या जो भी उनकी ईमेल है ऑफिशियल्स, उनकी ईमेल पे आपने अपनी CV सेंड करनी है। लेकिन CV सेंड करने का एक टाइम रखना है। सपोज लिंक्डइन में कोई जॉब आई है, ठीक है, आपने उस जॉब को पे CV लाइक जॉब को अप्लाई करने के लिए आपने सुबह 6-7 बजे उठ के सारी जॉब्स पे अप्लाई करना है। उसकी वजह यह है कि देखें एक आप बेरोज़गार नहीं है दुबई के अंदर, बहुत सारे लोग हैं जो इस टाइम जॉब ढूंढ रहे हैं। तो आपने क्या करना है, सुबह 6-7 बजे उठना है, उन सारी जगहों पे अपनी CV फॉरवर्ड कर देनी है, ईमेल कर देनी है, ताकि जब सुबह HR ऑफिस आए 9-10 बजे ऑफिस खुले तो आपकी CV पहले 50 या पहले 100 के अंदर मौजूद हो, तब आपको इंटरव्यू कॉल आनी है, अदरवाइज़ आपको इंटरव्यू कॉल नहीं आनी। तुम्हारी वीडियो होगी थोड़ी इन्फॉर्मेटिव, क्या बात है भैया, नर्स ने भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई, क्या बात है, वाह क्या एक्टिंग है, वाह। तो खैर अगली वीडियो मुझे बताएं भाई किस बारे में बनाएं। एक तो ऑप्शन है ये कि विजिट वीज़ा कैसे लेना है, कितने का आएगा, या इधर आके आप अपना 2 साल का वीज़ा लेना चाहते हैं उसकी क्या प्रोसीजर है, क्या फ़ी है, या फिर कंपनी अगर आपको वीज़ा देती है तो क्या तरीक़ेकार है, ये सब चीज़ें। अगर इसके बारे में कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट में, और प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। भाई काफ़ी मेहनत से बनाता हूँ, बहुत टाइम निकालना पड़ता है इसके लिए, फिर भी 80-80 व्यू आते हैं, दिल करता है खिंच के, मेरा मतलब है कि भाई व्यू दे दिया करो भाई प्लीज़। आज हमने दाढ़ी भी कम कर दी थी, हमने कहा जान दो छिक के रखो कम नू पता ना कहते छिक के रखो कमियाँ पता ना चले छमियाँ, तो हमने भाई दाढ़ी छाड़ी हटा दी थी, हमने कहा बिल्कुल हल्की कर देंगे, बिल्कुल कहते चिकने चीज़ें बच्चे बन जाएंगे, दाढ़ी छाड़ी हटा देंगे, शायद कोई लाइन लून करा दे, मगर भाई ऐसा नहीं, हम बहुत ही शरीफ इंसान है, ठीक है ना। दाढ़ी इसलिए कम की कि हमारा दिल कर रहा था कि देखे भाई कैसे लग रहे, मज़े के लग रहे नहीं लग रहे। और फिर आजकल एक नया ट्रेंड चला हुआ है, ये क्या बकवास है, मतलब भाई टिकटॉक खोलो तो आपको एक ही चीज़ मिलेगी, लाहौर दा पावा अख्तर लावा, लख दी लानत भाई तेरे से वैसे।